जय श्री कृष्ण मित्रों, हूँ छू निगम। स्वागत है आपनु मारी चैनल में। आज आपणे फक्त 10 मिनिट में बनी जाए तेवी एकदम स्वादिष्ट मिठाई बनावता शीखीशू। आज आपणे गुलकंद ड्राई फ्रूट्स कोकोनट बॉल्स बनावता शीखीशू। आ मिठाई खूब ज स्वादिष्ट बने छे। जो एक वार बनावशो तो वारंवार बनावीने खावानुं मन थशे। दिवाळी होय के रक्षाबंधन, कोईपण त्यौहार में आ मिठाई इंस्टंट बनावी शकाय छे अने ते फराळी होवाथी तेने उपवास में पण खाई शकाय छे। तो रेसिपीनी शुरुआत करिए। गुलकंद ड्राई फ्रूट्स कोकोनट बॉल्स बनावा माटेनी सामग्री जोई लईए। 100 ग्राम सूका कोपरानुं छीण एटले के डेजिगेटेड कोकोनट लीधुं छे। 1 चमची घी, 2 टेबलस्पून कंडेन्स मिल्क जे घरे सरळताथी बनावी शकाय छे, 2 टीस्पून घरे बनावेलू गुलकंद, 1/4 कप सूको मेवो जेमां मैं बदाम, पिस्ता अने काजू लीधा छे, तेमां तमे अखरोट अने सूकी द्राक्ष पण लई शको छो, अने 3 टीस्पून दूध लीधुं छे। तो रेसिपीनी शरूआत करिए। 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स ने मैं चीली कटर में आ रीते दरदरा क्रश करी लीधा छे। तेने मिक्सर में क्रश न करवा, आ मिश्रणनो आपणे स्टफिंग में उपयोग करीशू। सौ प्रथम एक कढ़ाई में 1 चमची घी लईशू। तेमा 100 ग्राम सूका कोपरानुं छीण उमेरीशू अने 2 टेबलस्पून कंडेन्स मिल्क उमेरीशू। कंडेन्स मिल्क घरे सरळताथी बनावी शकाय छे। हवे गैसनी फ्लेम ऑन करी तेने स्लो फ्लेम पर कूक करीशू। बधी सामग्री सरखी रीते मिक्स करी लेवानी छे। अत्यारे आपणे बिल्कुल खांड नहीं उमेरीए, कारण के कंडेन्स मिल्क में खांडनुं प्रमाण होय छे एटले खांडनी जरूर नथी। जो तमे मोळा मावामांथी आ बनावो तो तमे तेमां खांड उमेरी शको छो। हवे आपणे तेमां 3 चमची दूध उमेरीशू अने तेने सरखी रीते मिक्स करीशू। त्रण थी 4 मिनिटमां दूध सरखी रीते बळी जशे अने मिश्रणमांथी घी छूटशे त्यां सुधी आपणे तेने स्लो फ्लेम पर कूक करवानुं छे। तेने आ रीते सतत हलावता रहेवू जेथी ते नीचे चोंटे नहीं। मिश्रण सरखी रीते कूक थई गयुं छे। आ रीतनुं घट मिश्रण थाय एटले गैसनी फ्लेम बंद करीशुं। तैयार करेला मिश्रणने एक प्लेटमां काढी लईए। तो आवुं कोपरा पाक जेवुं मिश्रण तैयार करवानुं छे। आ मिश्रणने 5 मिनिट माटे ઠંડુ થવા દઈશું। એક મિક્સિંગ બાઉલમાં 2 ચમચી ગુલકંદ લઈએ। હવે તેમાં 1/4 કપ દરદરા પીસેલા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું અને 1 ચમચી તૈયાર કરેલું કોપરાનું મિશ્રણ ઉમેરીશું। તેના લીધે સ્ટફિંગમાં બાઇન્ડિંગ સરસ આવશે। આ ત્રણેયને ચમચી વડે સરખી રીતે મિક્સ કરી સ્ટફિંગ તૈયાર કરીશું। गुलकंद ड्राई फ्रूट्स कोकोनट बॉल्स बनावा माटेनुं स्टफिंग तैयार छे। आ स्टफिंगमांथी थोड़ू स्टफिंग हाथमां लईशुं अने तेना नानी साइजना बॉल्स तैयार करीशुं। आ स्टफिंगमां तमे अखरोट उमेरशो तो टेस्ट खूब ज सरस लागे छे। तो आ रीते तैयार करेला स्टफिंगमांथी नानी साइजना बॉल्स तैयार कर्या छे। हवे आपणे आगळनी प्रोसेस करीशुं। आपणे जे कोपरानुं मिश्रण बनाव्युं हतुं ते सरखी रीते ठंडु थई गयुं छे। तेमांथी थोड़ुं मिश्रण हाथमां लईशुं अने तेने आंगळीनी मददथी थेपी लईशुं। आ रीते थेप्या बाद तेमां तैयार करेल गुलकंद अने ड्राई फ्रूटनो बॉल मूकी तेने कोपराना मिश्रणमां कोट करीशुं અને હથેળીની મદદથી રોલ કરીને તેમાંથી બોલ્સ તૈયાર કરીશું। તો આ સેમ પ્રોસેસથી બાકીના બોલ્સ પણ તૈયાર કરી લઈએ। ઉનાળામાં શ્રી ઠાકોરજીને ગુલાબ અને ગુલકંદમાંથી બનતી વિવિધ સામગ્રી ભોગ ધરવામાં આવે છે।
तो आ रीतनी सामग्री दूध घर में सिद्ध करीने श्री प्रभु ने भोग धरी शकाय छे। बधा बॉल्स वाळीने तैयार कर्या छे। हवे आपणे आगळनी प्रोसेस करीशुं। हवे एक बाउल में 3 ચમચી सूका कोपरानुं छीण लईशुं। तैयार करेला बॉल्स ने कोपराना छीणथी कोट करीशुं। आ रीते कोट कर्या बाद तेने एक प्लेट में काढ़ीशुं। आ मिठाई 2 दिवस सुधी रूम टेम्परेचर पर अने 1 वीक सुधी फ्रीज में स्टोर करी शकाय छे। बधा बॉल्स ने आ रीते कोपराना छीण में कोट करी लईए। एकदम स्वादिष्ट अने इंस्टंट बनावी शकाय तेवा गुलकंद ड्राई फ्रूट्स कोकोनट बॉल्स तैयार छे। तेने आपणे सर्विंग प्लेट में सर्व करीशुं। तो आ रीते सर्विंग प्लेट में सर्व करी फ्रेश रोज पेटल्स थी गार्निश करीशू। तो तैयार छे एकदम इंस्टंट मिठाई गुलकंद ड्राई फ्रूट्स कोकोनट बॉल्स। तो तमे पण आ गुलकंद ड्राई फ्रूट्स कोकोनट बॉल्स अवश्य बनावजो। आ रेसिपी पसंद आवी होय तो वीडियो ने लाइक करो, शेर करो अने मारी चैनल ने सब्सक्राइब करो अने बाजू में आपेला बेल आइकॉन पर क्लिक करो जेथी आवना नवा वीडियो नी नोटिफिकेशन्स तमने मळती रहे। फरी मळीशुं एक नवी रेसिपी साथे। धन्यवाद।